आज का टॉपिक है द थिंग्स ऑफ ब्यूटी नामक पार्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यदि हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नए नए आपकी परीक्षा से संबंधित कंटेंट प्राप्त होते रहें। द थिंग ऑफ ब्यूटी नामक कविता के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आइए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, अकॉर्डिंग टू द टू पोइट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज, कवि के अनुसार थिंग ऑफ ब्यूटी है एक क्या। चार ऑप्शन दिए हैं, जॉय फॉरएवर, बी है नेवर जॉयफुल, सी है क्रिएट सैडनेस, डी है ब्रिंग नो चेंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉय फॉरएवर, यानी कि राइट आंसर ए। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल थिंग्स नेवर पास इनटू नथिंगनेस मींस। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन है नेवर फेड अवे, बी ऑप्शन है नेवर इंक्रीजेस, सी ऑप्शन है ब्रिंग सैडनेस और डी ऑप्शन है क्रिएट्स टूशेल इन रिलेशंस। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेवर फेड्स अवे, यानी कि ऑप्शन ए। फिर तीसरा दिया है, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंसी रेफर्स टू। चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है सैडनेस एंड डिप्रेशन, सफरिंग एंड पेन, सी है हैट्रेड एंड ग्रीड और डी ऑप्शन दिया है हेल्थ एंड वेल बींग। तो यहाँ पर राइट आंसर है इसका सैडनेस एंड डिप्रेशन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर चार है, व्हाट काइंड ऑफ ए पोइट इज जॉन कीट्स। जॉन कीट्स किस प्रकार के कवि हैं। ऑप्शन ए रियलिस्टिक, ऑप्शन बी इन्वायरमेंटलिस्ट, ऑप्शन सी रोमांटिक, ऑप्शन डी रिलीजियस। राइट आंसर इसका हो जाएगा जॉन कीट्स एक रोमांटिक कवि हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एंडीमियन, एंडीमियन कौन है। चार ऑप्शन दिए हैं, पहला है ए वर्कर, ऑप्शन बी एन ऑफिस बॉय, ऑप्शन सी ए यंग चाइल्ड, ऑप्शन डी ए यंग शेफर्ड। तो एंडीमियन जो है वो एक युवा गडरिया है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए यंग शेफर्ड, डी राइट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द पोइट एंड एंडीमियन लिव। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है इन ए हट, ऑप्शन बी है ऑन ए हिल, ऑप्शन सी है इन ए ट्री हाउस, ऑप्शन डी है ऑन माउंट लैटमोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑन माउंट लैटमोस इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लूमी। चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है ऑल द अनहेल्दी थिंग्स, ऑप्शन बी है डार्क स्प्रिट्स, ऑप्शन सी है डुल एंड डिप्रेसिव, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर ग्लूमी का मतलब उदासी होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा डुल एंड डिप्रेसिव, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इमोर्टल ड्रिंक। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दिया है नो वन इज थर्स्टी, ऑप्शन बी है एवरी वन इज हैप्पी, ऑप्शन सी है इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस, ऑप्शन डी है ब्यूटी नेवर मूव्स अवे। तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट है, माइटी डेट्स रिफर्स टू। माइटी डेट्स रिफर्स टू किसके लिए लगाया गया है, प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए है बिग डेड एनिमल्स, ऑप्शन बी ग्रेट रॉयल एंसेक्टर्स
ऑप्शन सी ब्रोकन बिल्डिंग्स, ऑप्शन डी रिवर्स एंड कैनल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रेट रॉयल एंसेक्टर्स, यानी कि पुरखों के लिए, महान पुरुष थे और प्रतिष्ठित लोग थे उनके लिए ये प्रयोग शब्द किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है इमोर्टल ड्रिंक इज पोअर्ड ऑन, चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है ह्यूमन बीइंग्स, बी पे है वर्ड्स, ऑप्शन सी एनिमल्स, ऑप्शन डी इंसेक्ट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ह्यूमन बीइंग्स। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है द इंडलेस फाउंटेन इज एन इमेज क्रिएटेड बाय द पोइट टू, इंडलेस फाउंटेन इज एन इमेज क्रिएटेड, पोइट के द्वारा उसकी कल्पना किससे की गई है, इमेज किससे किया गया है। तो ऑप्शन चार दे रखे हैं, ये ऑप्शन है द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर, बी ऑप्शन है फाउंटेन ऑफ ब्लड, सी ऑप्शन है डेनोट ओवर एवर लास्टिंग जॉय गिवन बाय ब्यूटीफुल थिंग्स, ऑप्शन डी है क्लियर वाटरफॉल। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है डेफोडियल्स आर, डेफोडियल्स क्या हैं, वाइट कलर फ्लावर्स, ऑप्शन बी फ्रूट ऑन ए ट्री, ऑप्शन सी नेम ऑफ इंसेक्ट, ऑप्शन डी नेम ऑफ ह्यूमन करेक्टर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वाइट कलर फ्लावर्स इज द राइट आंसर। तो ये थे द थिंग ऑफ ब्यूटी नामक कविता के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो 2023 की बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रख कर के यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करवाए गए।